एंड लेस नॉलेज मोर ईगो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नॉलेज कैफे। ईगो, ईगो सब जानते हैं, अरे उसका ईगो देखो कितना बड़ा है। ईगो वर्ड का मतलब होता है आई, यानी मैं। मैं मतलब हिंदी का अहम, मतलब अहंकार, स्वार्थी, ऐसा जो वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है मैं, स्वार्थ, अहम। इससे बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, जैसे एक वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्वार्थी। इगोइस्टिक एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब भी स्वार्थी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होना होता है। और इसी का एक सिमिलर वर्ड इगोसेंट्रिक। ईगो का मतलब आपको पता है, तो हम आत्म केंद्रित, मैं केंद्रित, खुद को फोकस करने वाला, दूसरों का रिगार्ड कम करता है, ऐसे पर्सन को इगोसेंट्रिक पर्सन कहा जाता है। एक वर्ड आता है इगोमैनिया। ईगो, आप देखिए दो वर्ड को तोड़िए, ईगो का मतलब होता है मैं या स्वार्थ, और मैनिया एक डिसऑर्डर को शो करता है। ये एक साइको वर्ड है, साइकोलॉजिकल से रिलेटेड वर्ड है, जो मेंटल डिसऑर्डर को शो करता है, एक डिसऑर्डर है। जैसे आप अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, आप इगोमैनिक पर्सन है। इगोमैनिक पर्सन वो पर्सन होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप, उसको लगे जो हूं वो मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। तो आप ये मत सोच लेना कि आप सिर्फ अपनी अपनी फोटो खींचते हैं, अपनी अपनी सेल्फी लेते हैं, तो आप इगोमैनिक पर्सन है, आप इस डिसऑर्डर से, आपको ये डिसऑर्डर है, नहीं ऐसा नहीं है। इगोमैनिक पर्सन वो पर्सन है जिसमें ये मतलब गुण या ऐसी भावना हमेशा कुट कुट के भरी रहती है। उसको ये लगता है कि मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मैं ही ग्रेटेस्ट हूं, जो मैं करता हूं वो सबसे अच्छा करता हूं। ऐसे पर्सन को, ऐसा जो डिसऑर्डर है उसको इगोमैनिया, और जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसको इगोमैनिक कहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द को लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ।